हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो आज हम करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा जाएगा, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है उनकी लाइफ में, या फिर क्या कैसा रहेगा आपका करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो लेट सी कि आपका ओवरऑल नवंबर का मंथ कैसा जाएगा करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज। सो लेट सी ओवरऑल आपका नवंबर का मंथ कैसा जाएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हाई प्रेस्टेस का, इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज होगी। दूसरा कार्ड आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स का, सो कोई सेपरेशन हो सकता है, पेनफुल चीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिक्स। ओके, सो आपकी लाइफ में नवंबर मंथ का जो महीना होगा, नवंबर मंथ होगा बेसिकली आपकी लाइफ में ना, नवंबर मंथ में चीजें होते होते रुकेंगी। लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक चीज होते होने को है लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो आप थोड़ा सा डिले फील करेंगे। जितना आप मेडिटेशन के ऊपर फोकस करेंगे, जितना आप थर्ड आई के ऊपर फोकस करेंगे, उतना आपकी लाइफ में नवंबर मंथ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देकर के जाएगा। अगर आपने मेडिटेशन नहीं करी या फिर थर्ड आई के ऊपर अपने काम नहीं करा, वर्क नहीं करा बेसिकली, तो चीजें आपकी और भी ज्यादा डिले हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको थोड़ा सा जो है डिले, अगर आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो आपको इंट्यूशन पावर के ऊपर अपना काम करना होगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैरिज यहाँ पर होती हुई दिख रही है, तो नवंबर मंथ में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उनकी शादी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कार्ड उस तरीके से आए हैं। एंड ये सेपरेशन हो सकता है कि उसी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, तो यहाँ पर शादी होते हुए मुझे दिख रही है। हेल्थ वाइज आपका जो ऐसा ओके ओके रहेगा, सीवियर पेन रह सकता है, आपको फीवर आ सकता है, छोटी छोटी चीजें जो है आप देखेंगे। एंड हेल्थ आपकी ओके ओके रहेगी, ज्यादा कुछ मेरे को खास अच्छी नहीं दिख रही है, ना बहुत ज्यादा बुरी दिख रही है, ओके ओके जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इस तरीके की चीजें मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है नवंबर मंथ में। नाउ लेट्स सी जो लोग भी यहाँ पर कमिटेड या फिर मैरिड है उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है नवंबर मंथ कैसा जाएगा लव एंड रिलेशनशिप के लिए। सो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको आपके पार्टनर के साथ कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, आपको आपके पार्टनर के एक्शन समझ नहीं आएंगे, या फिर आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपको आपके रिलेशनशिप में क्या देने की जरूरत है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा इस तरीके की चीजें मुझे आती हुई दिख रही है। और करियर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो करियर आपका, जिससे मैंने बोला ना, हाथ से जाता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ये मैं बताना भूल गई थी, तो इसीलिए आपके करियर में सारी चीजें जो हैं आपके हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं, तो डिले मत करना किसी भी चीज के लिए। बाकी अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर आपका लव एंड रिलेशनशिप कंफ्यूजन भरा रहेगा, कंफ्यूज आप रहेंगे। लेट सी जो लोग भी यहाँ पर सिंगल है उनके लिए हमारे पास क्या मैसेज जाता है नवम्बर मंथ में। सो टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन आप देखेंगे अपनी लाइफ में, तो आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट चल रहा होगा, चाहे आपका करियर देख लो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, उसके टाइम नवंबर में आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है अपने ऊपर। सो इस वजह से जो है आपका नवंबर में, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही रहेंगे। लेट्स सी नवंबर मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल करके आती है, भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में आएंगी, और आप किस चीज को, किस ब्लेसिंग को जो है एक्सपीरियंस करेंगे। आपके लिए मैसेज आया है लॉर्ड ऑफ डांस, यानी कि नटराज का मैसेज आया है। फियर आपकी लाइफ में कम होगा, आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी में ध्यान देंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पावर, डांस, आर्ट्स, इन सारी चीजों के अंदर जो है इंक्रीज करेंगे, आपका जो लाइक इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा। साथ के साथ आप अपनी लाइफ में ना प्लेजर को देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्लेजर कहाँ है नवंबर मंथ में, क्योंकि सारी चीजें ना आपकी लाइफ में मिसिंग है। आप अपने रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो रहे हो, आपको सेपरेशन फील हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स ज्यादा चल रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लाइफ में बर्डन बहुत रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के अंदर अपना प्लेजर देखोगे कि मेरे को कहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, कहाँ पर मुझे बेकार फील हो रहा है। तो बेसिकली नवंबर
पर मंथ इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को जानेंगे और आपको समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं एंड आगे आप क्या चाहेंगे. सो इस तरीके की जो चीजें हैं मुझे नवंबर मंथ में होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है. नाउ लेट्स से कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से, तो उसका आंसर क्या है, येस और नो से रिलेटेड, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो मैनिफेस्टेशन नवंबर में पूरी होगी, तो आपको क्या करना है, अपनी आईज क्लोज करिए एंड अपना क्वेश्चन पूछिए. देखते हैं आपके कार्ड्स आपको क्या बताते हैं. ओके, सो आपके लिए मैसेज आया है कि जो कुछ भी आपने पूछा है, जो कुछ भी आपने आपका क्वेश्चन था बेसिकली, उसका आंसर येस है, लेकिन वो सारी जो चीजें हैं वो जुलाई के मंथ में जो है पूरी होती हुई दिख रही है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. सो येस, ये थी आपकी नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.